कोरोना का कहर इतना विकराल रूप ले चुका है कि तकरीबन हर दिन हमें बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। फिल्म जगत से जुड़े कई लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तरह की खबरों के बीच अचानक सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि 80-90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री का निधन हो गया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि मीनाक्षी की मौत की वजह कोविड-19 बीमारी है। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल मीनाक्षी शेषाद्री की मौत की खबर कोरी अफवाह है। हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री की मृत्यु होने की बात लिखी हो। मीनाक्षी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं और उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। अगर सचमुच ऐसा कोई वाकया हुआ होता तो इसके बारे में सभी जगह खबर छपी होती, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे होते। हमें किसी भी फिल्मी हस्ती के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस किस्म की कोई चर्चा नहीं दिखी। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाटा की वेबसाइट फिल्म इंफॉर्मेशन में इस बात की पुष्टि की गई है कि मीनाक्षी के निधन की खबर कोरी बकवास है और वो वर्तमान में US स्थित अपने घर में सुरक्षित है। इसी तरह से बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स जैसे कि गुजराती न्यूज 18 और TV9 भारतवर्ष में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि मीनाक्षी एकदम ठीक है। मीनाक्षी ने साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है हीरो। इसमें वो जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट नजर आई थी और इस फिल्म से मीनाक्षी को अच्छी खासी पहचान मिली थी। मीनाक्षी ने कुछ और फिल्मों में अभिनय किया जो सुपरहिट साबित हुई, जैसे कि घायल, घातक और दामिनी। मीनाक्षी ने साल 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली थी और इसके कुछ समय बाद ही वो बॉलीवुड को अलविदा कहके US चली गई थी। हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि मीनाक्षी शेषाद्री के निधन की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।